हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज चंद्रेश भांगे, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे सब्जेक्ट इज माइक्रो एंड रडार। टुडे चैप्टर इज रडार सिस्टम एंड टुडे टॉपिक इज रडार डिस्प्ले। चलो दोस्तों, अपन ने इसके पहले क्या क्या पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार ये पढ़े, उसके बाद अपन ने पढ़ा पल्स रडार। पल्स रडार में अपन ने ये पढ़ा है कि कंटिन्यू पल्सेस छोड़ी जाती है, ट्रेन ऑफ पल्सेस छोड़ी जाती है, और ट्रेन ऑफ पल्सेस से जो भी टारगेट है वो पता करते हैं। स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग मेथड्स में क्या है कि जो भी टारगेट रहता है उसे स्कैन करना और उसे ट्रैक करना, इसके पहले के टॉपिक में अपन ने पढ़ा है। उसके बाद एंटीना फीड मैकेनिज्म इन रडार, यानी रडार में जो भी एंटीना यूज करते हैं उसमें किस तरीके से सिग्नल फीड किया जाता है उसका मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा है। उसके बाद रडार रेंज इक्वेशन एंड स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग मैक्सिमम रेंज, यानी यहाँ पे ये चीज़ पढ़ा है कि जो मैक्सिमम रेंज होती है रडार से लेके टारगेट तक, उसका अलग अलग नॉइज का इफेक्ट वगैरह उस पर किस तरीके से होता है, अलग अलग फैक्टर का इफेक्ट उस पर किस तरीके से होता है वो अपन ने पढ़ा है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ रडार। रडार के डिफरेंट एप्लीकेशन अपन ने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यू वेव रडार। इस टाइप का रडार क्या करता है दोस्तों, ये कंटिन्यूस वेव टारगेट के तरफ भेजते रहता है, ट्रांसमिट करते रहता है, उसे कहते हैं कंटिन्यू वेव रडार। नेक्स्ट है मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार। ये क्या करता है दोस्तों कि जो भी टारगेट है वो कंटिन्यू अगर मूविंग में है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस टाइम पे ये टारगेट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम क्या होता है कि आज का जो भी सब्जेक्ट है वो अपन पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है, तो आज के टॉपिक पे जो है वो है मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ रडार सिस्टम फॉर द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। अलग अलग टाइप ऑफ रडार है उस जो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, ये आपका नॉलेज इसमें ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बढ़ने वाला है। उसका यूनिट आउटकम, ये यूनिट या पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो एक बार देख लेते हैं। डिस्क्राइब विद द रिलेवेंट स्केच द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गिवन टाइप ऑफ डिस्प्ले यूज विथ रडार सिस्टम, यानी रडार में जो भी डिस्प्ले यूज किया जाता है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से वो काम करता है, कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, ये अपन नॉलेज आज बढ़ने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन कौन से टाइप के एक्चुअल आज अपन टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो जो टॉपिक है उसका नाम है ए स्कोप डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले के दो टाइप्स है दोस्तों, एक है ए स्कोप डिस्प्ले और दूसरा है प्लान पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले, ये अपन आज पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है, तो इस वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या, ये पता करता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता जो है PO3। PO4 क्या है, इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या, जहाँ पे
इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या? वो आपको पता यानी PO4 में होता है, वो उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी। इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या? तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है, उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या? वो है PO6। PO7 यानी क्या? इथिक्स। इथिक्स यानी क्या? बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है? इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम यानी व्हाट शी और ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम, ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें? EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या? इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे इसके क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए इस यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी साइट इज सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है PO10 यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज की आपको ज़रूरत है, तो बेसिक नॉलेज क्या है? माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक माइक्रो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहाँ पे अपने को सबसे पहले ज़रूरत होती है, जो कि और उस सिग्नल को जनरेट करने के लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर अपने को नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चैनल, यानी ये ट्रांसमीटर से रिसीवर के तरफ जो लेके जाने के लिए थ्रू एयर हो, थ्रू वायर हो, थ्रू वेवगाइड हो या फिर वाटर हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी रास्ता हो, जो भी चैनल, तो उसे कहते हैं चैनल। तो माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल। नेक्स्ट है माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर, यानी सिग्नल जो अपन ने पढ़ा वो ट्रांसमिट होने के बाद ये रिसीवर जो रिसीव करने के लिए ये रिसीवर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ द रडार सिस्टम। उसके बाद आपको कौन सी के बेसिक अपन ने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा रडार सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम, वो आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अपन शॉर्ट में इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रडार है, ठीक है। तो वो रडार क्या करता है, एक पल्स जो है यहाँ पे पल्स अपन इसके तरफ भेजते हैं, ये टकरा के वापस आते हैं। और आपको आपको दिख रहा होगा ये जो स्क्रीन है, कुछ स्क्रीन में कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल अपन देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करता है, ये जो टारगेट है इसे टारगेट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस अपना मेन एम क्या है दोस्तों, कि ये जिसका साइज कितना है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये कितने स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इसका एंगल कितना है, ये डिस्प्ले करने का काम, पता करने का काम ये रडार का होता है। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करता है, जो सिग्नल या इसके तरफ टारगेट की तरफ भेजना है उसे जनरेट करने का काम ट्रांसमीटर करता है। डुप्लेक्सर क्या करता है, डुप्लेक्सर एंटीना को या तो ट्रांसमीटर से कनेक्ट करता है या तो रिसीवर से कनेक्ट करता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही। उसके बाद रिसीवर का काम क्या होता है, जो भी सिग्नल इसको टकरा के वापस आता है उस पर नॉइज का इफेक्ट होने के वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है, तो वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे वो उसमें उसका उसमें जो नॉइज ऐड हुआ है उसे कम करने का काम, और उस सिग्नल का स्ट्रेंथ जो कम हुई है वो जो वीक हुआ है उसे स्ट्रॉन्ग करने का काम रिसीवर करता है, और वो सिग्नल डिस्प्ले को देता है। तो इसका बेसिक नॉलेज पढ़ लेते हैं। ट्रांसमीटर सबसे पहले सिग्नल जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद डुप्लेक्सर के थ्रू वो एंटीना को जाता है। अब एंटीना क्या करता है दोस्तों, जो भी ये सिग्नल जा रहा था वो वायर के थ्रू जा रहा था, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, उसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और जो ग्रीन लाइन दिख रही है उसके थ्रू ये टारगेट के तरफ भेजा जाता है। फिर ये जो सिग्नल है ये टारगेट को टकराता है, उसे स्कैन करता है, स्कैन करके ये वापस जाता है। जब ये वापस जा रहा था इस पे नॉइज का इफेक्ट आ रहा था। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपको दिखा रही है कि ये रिसीव हुआ है सिग्नल, और एयर में जो भी सिग्नल रहता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर ये डुप्लेक्सर को दिया जाता है। इस वक्त डुप्लेक्सर एंटीना को ट्रांसमीटर से डिस्कनेक्ट करता है और रिसीवर को कनेक्ट कर देता है। जब और ये सिग्नल में नॉइज ऐड हुआ है तो यहाँ रहता है लो नॉइज एम्पलीफायर। जो सिग्नल रिसीव हुआ है उसमें नॉइज का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसका नॉइज का इफेक्ट कम करने का काम रिसीवर करता है, और वो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ उस वजह से कम हुई थी, वीक हुआ था नॉइज की वजह से, उससे स्ट्रॉन्ग करने का काम ये रिसीवर करता है। और उसके बाद ये सिग्नल दिया जाता है डिस्प्ले को। डिस्प्ले पहले ही बताया, उसके हिसाब से टारगेट का एंगल, टारगेट का साइज, उसका डिस्टेंस, और वो कौन से स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी अपने को यहाँ पे शो करता है। जैसे ये डिस्प्ले यानी ये स्क्रीन है, ये ट्रांसमीटर, और ये रिसीवर यानी ये एंटीना, ये एंटीना है, ये एंटीना है।
इस तरीके से ये टारगेट है, नहीं ये टारगेट है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जा रहा है, इसको टकरा रहा है, ये वापस आ रहा है, वापस आने के बाद यहाँ पे स्क्रीन में कुछ अपने को देखने को मिल रहा है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन, टारगेट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टाइप है रडार का, जो पहला टाइप है वो है ए स्कोप रडार डिस्प्ले, यानी जो रडार में जो डिस्प्ले यूज किया जाता है उसका जो पहला टाइप होता है ए स्कोप डिस्प्ले। उसका जो डायग्राम है इस तरीके से है, उसका जो एक्चुअल डिस्प्ले है वो इस तरीके से है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले सिस्टम विच इंडिकेट द रेंज ऑफ टारगेट। ये एक पॉपुलर डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले सिस्टम है जो टारगेट की रेंज पता करता है, टारगेट कितने डिस्टेंस पे है वो डिस्प्ले करने का काम, इंडिकेट करने का काम एस्कोप डिस्प्ले करता है। और ये आपको याद रखना है, डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले, यानी ये डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से स्क्रीन से एक जगह से दूसरी जगह डिफ्लेक्ट करने का काम डिफ्लेक्शन मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले करता है। दूसरा, द ए स्कोप डिस्प्ले प्रेजेंट ओनली द रेंज टू द टारगेट एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इको सिग्नल। ये टारगेट की रेंज और इको सिग्नल की स्ट्रेंथ पता करता है, यानी टारगेट कितने रेंज में है वो पता करता है। सेकंड, जो टकरा के सिग्नल वापस आ रहा है टारगेट को, उसकी स्ट्रेंथ कितना है, वो सिग्नल मजबूत कितना है वो पता करने का काम एस्कोप डिस्प्ले करता है, यानी वो डिस्प्ले करने का जो सिग्नल रिसीव्ड हो रहा है टारगेट को टकरा के, उसे कहते हैं इको सिग्नल। नेक्स्ट है, द एस्कोप नॉर्मली यूजेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सीआरटी स्क्रीन, यानी यहाँ पे जो एस्कोप में जो स्क्रीन यूज की गई है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सीआरटी स्क्रीन होती है। यहाँ पे स्क्रीन के अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें से ये जो एक ये है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सीआरटी स्क्रीन। नेक्स्ट है, द स्वीप मूवमेंट ऑन अ स्क्रीन इज प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग अ सॉटूथ वोल्टेज टू द हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी यहाँ से स्क्रीन पे हॉरिजेंटली क्यों जाना चाहिए, ये कैसे होता है पॉसिबल। अगर यहाँ पे अपन ने उसके प्लेट्स को, ये जो स्क्रीन के प्लेट्स को जिसे कहते हैं हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट को, अगर अपन सॉटूथ वेव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वो जो सिग्नल का जो बीम है, वो बीम का अपने सीआरओ के वक्त भी पढ़ा होगा, बीम यहाँ से स्क्रीन पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑन द स्क्रीन पॉसिबल है अगर आपने हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट को शॉर्टकट वोल्टेज देते हैं तो। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल लेंथ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्टकट वोल्टेज डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ रेंज डिस्प्ले ऑन अ सीआरटी स्क्रीन, यानी सीआरटी स्क्रीन में कितने अमाउंट का सिग्नल यहाँ पे दिखना चाहिए, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लेंथ पे, उसके टाइम ड्यूरेशन पे, किसके शॉर्टकट वोल्टेज के, शॉर्टकट वोल्टेज के लेंथ पे डिपेंड करता है कि सीआरटी स्क्रीन पे कितना अमाउंट का सिग्नल वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। इसके अलावा कुछ सिग्नल यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं, इन एडिशन टू देयर वेरियस सिग्नल आर डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड क्लटर नाम का होता है। अभी ग्राउंड क्लटर होता क्या है, द इको फ्रॉम वेरियस फिक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, कुछ ऑब्जेक्ट ग्राउंड में फिक्स रहते हैं, उस वो कहाँ पे वो पता करने का काम ये यानी ए स्कोप रडार डिस्प्ले पे यहाँ पे डिस्प्ले होता है, यानी जो फिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं जो ग्राउंड पे प्रेजेंट रहते हैं वो और जब ये सिग्नल उस ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस आता है उसे कहते हैं इको सिग्नल, वो डिस्प्ले करने का काम एस्कोप रडार डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है, ग्रास नॉइज दैट इज कंटिन्यू रिसीवर नॉइज, जो सिग्नल टारगेट को टकरा के वापस आता है उस पर नॉइज का इफेक्ट होता है, वो नॉइज का इफेक्ट कंटिन्यू शो करने का काम, मॉनिटर करने का काम, इंडिकेट करने का काम एस्कोप डिस्प्ले
करता है। नेक्स्ट, एक्चुअल टारगेट, दिस सिग्नल आर लार्जिंग इंडिकेटिंग टारगेट इंफॉर्मेशन लाइक डिस्टेंस ऑफ टारगेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ इको सिग्नल। ये टारगेट का डिस्टेंस पता करने के लिए काम में आता है, और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ इको सिग्नल यानी इको सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी, उसकी मजबूती कितनी है जो टारगेट को टकरा के वापस आता है, वो यहाँ पे शो करता है, डिस्प्ले करता है। और सेकंड, रडार से टारगेट का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे इसको रडार डिस्प्ले इस यहाँ पे शो करता है। तो इस तरीके से अलग अलग अपने टाइप पड़े, ये डिप्लेक्शन मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले सिस्टम है, ठीक है, ये रडार का रेंज इंडिकेट करता है, ये रेंज ऑफ टारगेट इंडिकेट करता है कितने डिस्टेंस पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इको सिग्नल यानी इको सिग्नल की स्ट्रेंथ पता करता है। एस्कोप नॉर्मली यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक डिप्लेक्शन सीआरटी स्क्रीन, ये इसमें ये टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक डिप्लेक्शन टाइप सीआरटी स्क्रीन यूज की जाती है। मूवमेंट के लिए, स्क्रीन के मूवमेंट के लिए सॉटूथ वोल्टेज अपन प्रोवाइड करते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिप्लेक्शन प्लेट को दिया जाता है, जिसके वजह से स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है इसकी, ये कौन से रेंज का सिग्नल यहाँ पे डिस्प्ले करता है सीआरटी स्क्रीन पे, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की लेंथ पे, उसके टाइम ड्यूरेशन पे ऑफ सॉटूथ वोल्टेज, जो अपन सॉटूथ वोल्टेज उसको दे रहे हैं डिस्प्ले को, उसके लेंथ पे, उसके टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है इस तरीके से। और इस पे तीन सिग्नल एडिशनल शो होते हैं, जैसे ग्राउंड क्लटर जो फिक्स ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे अवेलेबल होता है उससे जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो शो करता है, ग्रास नॉइज यानी कंटिन्यू रिसीवर नॉइज यानी कंटिन्यू जो सिग्नल से रिसीव नॉइज मिक्स हो रहा है सिग्नल में उसे शो करने का काम ग्रास नॉइज करता है। और नेक्स्ट है एक्चुअल टारगेट, टारगेट के डिस्टेंस और उसका इको सिग्नल की स्ट्रेंथ जो रिसीव सिग्नल की। उसका सेकंड टाइप है प्लान पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले। प्लान पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे देखिए आप, ये स्क्रीन है या कंटिन्यू ये सेंटर से आउटसाइड कंटिन्यू ये रोटेट करते हैं, अगर कहीं आपको टारगेट दिखता है कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक टारगेट है, यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ एक टारगेट है, ये आप यहाँ पे अपने को ये शो हुआ है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, दिस इज एन इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले सिस्टम विच इंडिकेट्स द बोथ रेंज एंड एंगल ऑफ द टारगेट, यानी टारगेट का जो भी रेंज रहेगा या फिर एंगल रहेगा ये अपने को PPI प्लान पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले में देखने को मिलता है। ये एक इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले होता है, नाम याद रखिए ये इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन टाइप डिस्प्ले, यानी ये जो इंटेंसिटी है सिग्नल की वो मॉड्यूलेट रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है इसका मतलब होता है। और ये मेन बात तो टारगेट का रेंज और टारगेट का एंगल ये अपने को इस डिस्प्ले के मदद से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द डिमोडुलेटेड इको सिग्नल फ्रॉम द रिसीवर इज अप्लाइड टू द सीआरटी विच इज बायस स्लाइटली बियॉन्ड कट ऑफ, यानी जो भी डिमोडुलेटेड इको सिग्नल है रिसीवर के तरफ से जो आ रहा है, यानी टारगेट के तरफ से जो आ रहा है रिसीवर के तरफ, ठीक है, टारगेट के तरफ से जो रिसीवर के तरफ आ रहा है वो अपन सीआरटी को देते हैं। सीआरटी क्या है, ये स्क्रीन है, और ये स्क्रीन क्या रहती है, इसको जो सप्लाई दिया जाता है उसका जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट अपन ने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था क्यूसेंट पॉइंट, तो वो क्यू पॉइंट तीन रीजन है अपने पास, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन, जो डीसी लोड लाइन में रहते उसमें वो अपने यहाँ पे कौन सा काम का है, ये कट ऑफ रीजन में रहती है। जो स्क्रीन है उसको सप्लाई कौन सा दिया जाता है, कट ऑफ रीजन वाला, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है विदाउट पावर सप्लाई वो चल ही नहीं सकता। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन कंटिन्यू घूम रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे टारगेट डिटेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है ओनली वेन द ब्लिप्स करस्पॉन्डेंट टू द टारगेट ऑकर, जैसे ये घूम रहा है तो वैसे यहाँ पे अगर ये घूमते घूमते ये कुछ टारगेट यहाँ डिटेक्ट होता है तो यहाँ ब्लिप होता है या फिर यहाँ पे डॉट डिस्प्ले होता है।
देन अ बीम इज मेड टू डिफ्लेक्ट रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली अराउंड द ट्यूब एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी। यानी ये पहले कहा है कि ये सेंटर से आउटसाइड कंटिन्यूसली रोटेट होता है एंड अराउंड द ट्यूब एंड सेम एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये एक ही स्पीड से, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक फास्ट में गया और फिर यहाँ स्लो हो गया, ऐसा नहीं। आप यहाँ देख रहे होंगे कंटिन्यू एक ही स्पीड से सेंटर से आउटसाइड कंटिन्यू घूमते रह रहा है, एंगुलर यानी गोल घूमते रह रहा है ये। द ब्राइटनेस स्पॉट एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर। मैंने यहाँ पे एक ही चीज़ है कि जहाँ पे जैसे ब्राइट हो गया ये चीज़ ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो आपको वहाँ इंडिकेट करता है कि यहाँ कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट है, नॉर्मली पीपीआई स्क्रीन आर सर्कुलर विद डायमीटर 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। यानी ये पीपीआई डिस्प्ले प्लान पोजिशन इंडिकेटर डिस्प्ले एक्चुअल में ये राउंड शेप में रहता है जिसका डायमीटर होता है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। फॉस्फोरस मटेरियल आर यूज टू इंश्योर दैट पीपीआई स्क्रीन डज नॉट फ्लिकर। फ्लिकर एक प्रॉब्लम होता है जो एक शेडो, जैसे एक आदमी अगर एक धूप से जा रहा है तो उसकी शेडो जैसे साइड में गिरती है, ये एक इसका प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम पीपीआई स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होता है क्योंकि इसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, फॉस्फोरस मटेरियल यूज करते हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे फ्लिकर नाम का जो प्रॉब्लम है, जो शेडो है, वो इस पीपीआई डिस्प्ले में शो नहीं होती है। नेक्स्ट है ए स्कोप एंड पीपीआई डिस्प्ले मेथड का डिफरेंस। तो ये ए स्कोप अपन ने सबसे पहले पढ़ा और ये पीपीआई डिस्प्ले अपन ने दूसरा पढ़ा। तो सबसे पहले ए स्कोप देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस। इट प्रेजेंट ओनली द रेंज ऑफ टारगेट एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इको। जैसे ये टारगेट का रेंज पता करता है, उसका डिस्टेंस पता करता है और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इको यानी क्या, जो टारगेट से रिटर्न जो सिग्नल आता है उसे इको कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी, वो कितने मजबूती से वापस आ रहा है, वो ए स्कोप डिस्प्ले में देखने को मिलता है। और पीपीआई डिस्प्ले में क्या होता है, इट डिस्प्ले रेंज एंड अजीमुथ, यानी ये क्या करता है, रेंज यानी उसका डिस्टेंस पता करने के लिए और उसका एंगल पता करने के लिए, टारगेट का रेंज यानी उसका डिस्टेंस पता करने के लिए टारगेट का और उसका एंगल पता करने के लिए पीपीआई डिस्प्ले यूज करते हैं। इट यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सीआरटी। इसमें कौन से टाइप की सीआरटी स्क्रीन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सीआरटी। और यहाँ पे इट यूजेस रेडियल स्वीप पायलटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द प्रेजेंटेशन। यानी उसमें अपन ने देखा था पीपीआई डिस्प्ले के वक्त कि ये स्वीप यानी कंटिन्यू रोटेशन वाली स्क्रीन यहाँ पे यूज किए जाती है। उसके बाद दिस वेयर यूज इन ओल्ड सिस्टम एज मॉनिटरिंग ऑस्किलोस्कोप। जैसे सीआरओ वगैरह होता है वो जहाँ पे ओल्ड सिस्टम लगी है तो वहाँ पे ए स्कोप डिस्प्ले यूज किए जाते हैं, और ये ओल्ड सिस्टम में यूज किया जाता है तो ये एडवांस टेक्निक में यूज किया जाता है पीपीआई डिस्प्ले। इट इज मोस्ट यूज इन रडार डिस्प्ले। रडार जो अपन ये पढ़ रहे कंटिन्यू, उसमें मैक्सिमम कौन सा यूज किया जाता है, पीपीआई डिस्प्ले। इट इज यूज इन वेपन कंट्रोल रडार सिस्टम। यानी ये कहाँ पे इसका एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन क्या है, जहाँ पे वीपन रहते हैं जैसे मिलिट्री में वगैरह, तो वीपन कंट्रोल रडार सिस्टम, वीपन को कंट्रोल करने के लिए कुछ रडार यूज करते हैं, उस टाइप में ये ए स्कोप यूज किया जाता है। और पीपीआई इट इज फॉर सर्वेलेंस एंड एक्वाइजेशन पर्पज। सर्वेलेंस यानी कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर अपने को पता करना है, उस एरिया की इंफॉर्मेशन पता करना है, कहीं से टारगेट आ रहा है जा रहा है उसका लोकेशन पता करना है, तो पीपीआई डिस्प्ले यूज करते हैं। और ये इसकी डायग्राम्स है। अपने अभी यहाँ पे क्या क्या पढ़ा एक बार अपन देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिस्प्ले मेथड्स यूज इन रडार, ये अपन ने देखते हैं अभी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा ए स्कोप डिस्प्ले।
ठीक है, एस्कोप डिस्प्ले पहला टाइप था जो ओल्ड सिस्टम में यूज किया जाता है, और सेकंड अपन ने टाइप पढ़ा पीपीआई, प्लान पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले। ये दो टॉपिक अपन ने आज पढ़े हुए हैं, जो ये प्लान पोजीशन इंडिकेटर एडवांस टेक्निक में यूज किया जाता है। इस पे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो एक बार देख लेते हैं। ने पहला है एक्सप्लेन ए स्कोप डिस्प्ले मेथड विद द डायग्राम यूज इन रडार सिस्टम, ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिस्ट द डिफरेंट डिस्प्ले मेथड यूज इन रडार, एक्सप्लेन एनी वन डिस्प्ले मेथड। जैसे दो टाइप्स है, तो एक तो यहाँ पे ए स्कोप के बारे में पूछा जाएगा, या तो पीपीआई डिस्प्ले के बारे में पूछा जाएगा, या फिर दोनों भी पूछ सकते हैं जो ज़्यादा मार्क के लिए पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।